नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये दो बातें इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्रिएट करे हैं, उन्हें सॉल्व करने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बर्ड प्रॉब्लम है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, आपको हम बता दें। ये क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में यदि टू ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी टू ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या होता है, 9/11 हो जाता है। यदि आप 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो बताइए फ्रैक्शन क्या है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर और ये हमारा पास क्या है, डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, केस फर्स्ट, टू ऐड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इन दोनों में टू ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। और ये फ्रैक्शन किसकी इक्वल होता है, 9/11 की इक्वल होता है। स्टूडेंट्स ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन लाने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 का और 9 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 11x प्लस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/+18 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करिए कि x और y के जो टर्म्स हैं उनको एक साइड में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, बाकी नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाइए। आप इन दोनों को इससे ले इधर, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 माइनस का 22। आप 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कितना बचेगा, ये माइनस का 4। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पर x और y की वन पावर हो तो इक्वेशन क्या हो जाती है, लीनियर इक्वेशन हो जाती है। एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है, मान लेता हूँ ये इक्वेशन वन है। ठीक है, केस सेकंड क्या था, केस सेकंड था हमारे पास कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो आप इन्हें 3 ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर 3 ऐड करिए, एक्स प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, y प्लस 3, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हो जाता है 5/6। देखिए एग्जाम में इसमें इस तरह की बर्ड प्रॉब्लम हमेशा आती है। ठीक है, बर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए बर्ड प्रॉब्लम को बार बार अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है, और फिर उसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इस इक्वेशंस जो बन रही हैं उनको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कैसे एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6x प्लस का 18 इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 5y प्लस का 15, है ना। आप इसको इधर ले आइए, 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 18, ये 18 जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ये स्टूडेंट ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ गई, सर इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या तरीका है, कैसे एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एक वेरिएबल को हटा देना, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, देखिए आपके पास यहां पर 11x है, माइनस 9y इक्वल टू कितना है, माइनस 4 है, और यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3।
हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड और सबट्रैक्ट करने पर हम ये सोचते हैं कि यदि इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, या तो यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट 11 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 6 है, ये दोनों इक्वल हो जाए, या वाई के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, तो यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर नंबर 11 है और यहाँ पर नंबर क्या है 6 है, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा तरीका बताऊँ कि जो नंबर यहाँ पर है ना उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो आप 6 से कर दो, ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर है ना उसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे कर दें, इसका नंबर मल्टीप्लाई इससे कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, ठीक करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 66x-54y = -24। मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो कैलकुलेटर ले रहा है इसके लिए, ठीक है, उसको नहीं पता है कि 11 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है ना, चलो कोई बात नहीं, आपको तो आता है ना, बहुत अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 66x आएगा माइनस कितना आएगा 55y इक्वल टू -33 आएगा, आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट हमने इक्वल करे, देखिए दोनों सेम साइन, दोनों प्लस के हैं ना, तो इसी इक्वेशन में से इसी इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, और जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला नंबर प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। देखिए एलिमिनेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स के कोफिशिएंट इक्वल करो, आप वाई के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को सेपरेट करो, आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, यदि यहाँ पर ये माइनस का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेट करने की जरूरत नहीं थी हमें, फिर हम क्या करते थे, इन दोनों को ऐड कर देते, ये दोनों इक्वेशन ऐड करने पर सॉल्व हो जाती और ऐड करने पर ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाते, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का साइन है इसलिए इसमें से क्या करेंगे सेपरेट करेंगे तभी कैंसिल हो पाएंगे, है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 54 है या 55 है, ये प्लस का 55 हो गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो खाली क्या बचेगा वाई बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा ये प्लस का 33 है और ये कितना है 24 है, 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है, आपके पास वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई 9 निकल के आई, बस में आ गई। अब इस वाई की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन पुट कर सकते हो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, देखिए बाई की वैल्यू को आप यहाँ पुट करने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात नहीं है, बेटर है कि बाई की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पुट करें, पुट बाई इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है 11x-9y = -4, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए चैप्टर वाइज ई बुक बना रहा हूँ, उस ई बुक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी उस ई बुक में है, जो क्वेश्चन मैं डिजाइन कर रहा हूँ चैप्टर वाइज उनका सॉल्यूशन भी ई बुक में है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप उन क्वेश्चनों को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन अभी आपको कुछ दिन बाद मिल पाएंगे, ठीक है, तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें, राइट। चलिए आप 11x-9y = -4 है, यहां पर 9 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11x-9 × 9 = -4 आएगा, ये हो जाएगा 11x-81 = -4 हो जाएगा, 11x = कितना हो जाएगा इसको इधर ले आइए -4 + 81 हो जाएगा, कितना बचेगा 11x = सामने स्टूडेंट कैलकुलेटर से करा है, चिंता न करें, कितना आ रहा है 77 आ रहा है ना, अब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x = कितना आएगा 7 आएगा, आपने x और y की वैल्यू निकाल दी है, आपके पास फ्रैक्शन क्या था, आपका फ्रैक्शन था x/y, सो आप लिखेंगे सो फ्रैक्शन बी
क्या हो जाएगा, x अपॉन y होता तो क्या हो जाएगा, 7/9 एंड दिस योर आंसर। ठीक है, बस में भाई आप यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हैं, जरा वेरीफाई करके देखिए कि आप इसमें 2 ऐड करें तो 9 आ रहा है, और इसमें 2 ऐड करें तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें 3 ऐड करें तो कितना आ रहा है, यहां पर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा ना, तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। आप अपने आंसर को हमेशा लीनियर इक्वेशंस का आंसर को वेरीफाई करने की जरूर कोशिश करें। आप समझ गए होंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक्स या वाई जो कोफिशियंट हैं उनको इक्वल करें, है ना। और अच्छा तरीका ये रहता है कि यहाँ पर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, यहाँ पर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, ठीक है ना? इस तरह से समझ सकते हैं, या आप कई बार इनका एचसीएफ या एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन मेथड अप्लाई करें, एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करें, और उसके आंसर को पब्लिकली कॉमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, राइट। एक बार ऐसे आप अच्छे तरह से आप कॉपी कर लीजिए। ईश्वर, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन बनती हैं उनको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि 4 मैन एंड 6 बॉयज एक काम को फिनिश करने में 5 दिन लगाते हैं, राइट, और 3 मैन और 4 बॉयज उस काम को फिनिश करने में 7 दिन लगाते हैं, तो आपको बताना है कि एक अकेला आदमी या अकेला लड़का उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा, राइट। इससे ज़्यादा मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, आप खुद इक्वेशन बनाएं, और इक्वेशन बनाने के बाद लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करें और उनको सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, राइट, और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टूडेंट, यदि आपको मेरी बात समझ में आती है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, और बात समझ में नहीं आती है तो डिसलाइक बटन पर क्लिक करें, लेकिन आप क्लिक जरूर करें, राइट, जरूर क्लिक करें, जिससे हमें पता लग सके हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।